एक वो उधर, ठीक है इस तरह से, चल इस तरह से। कैसे हो? ठीक हो? तो जी अभी जाना हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं इसका लिंक की सफाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जाना वो माइकल से माहौल बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बन मजा, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बन भाइयों की दुआ। माशाल्लाह से हमारी रात भी बहुत अच्छी गुजरी और माशाल्लाह से दिन भी हमारे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। ये आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह पाक का हम पे खास करम है। तो अभी जो है ना, आज हम जनाब करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कल, जैसे हमने ये ग्रिल वगैरह घर की लगवाई और माशाल्लाह से घर की लुक प्यारी हुई। एक तो सबका दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें मुबारकबाद पेश की, माशाल्लाह से वन टू ऑल जितने भी देखने वाले थे सब ने कहा माशाल्लाह घर की लुक जो है ना वो चेंज हो गई। तो कुछ बहन भाइयों ने कमेंट्स किए कि कुछ जो है ना वो आपने सेटिंग करनी है गैलरी के अंदर, कुछ जो है ना वो फर्नीचर वगैरह सोफे सेट वगैरह कुछ उधर लगाने कुछ इधर लगाने कुछ इस तरह से कोई सेटिंग है। तो इंशाल्लाह अभी हम वो करने वाले हैं, तो आप सब ने जुड़े रहना। इंशाल्लाह आज घर की लुक फिर एक बार चेंज होने वाली है, सारी सेटिंग चेंज होने वाली है। तो चले सबसे पहले सब ऐसा करो कि ये वाली जो है ना ये चार पे सबसे पहले निकालते हैं बाहर, क्योंकि अभी हमने इस यहाँ पे ना उधर कालीन की भी सफाई करनी है सब, और इधर इसकी भी सफाई कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, क्योंकि वो एक दरवाजा खोलेंगे ना दोनों नहीं खोलेंगे, फिर देते रहे। बिस्मिल्लाह, दरवाजा भी लगा हुआ है हमारा, हम खोल के बाहर जाते हैं। बगैर खोले कौन जाता है? क्या मतलब चादर रख रहे इधर धूप पे रख रहे ताकि कोई आए और धूप पे एंजॉय करता रहे, क्योंकि धूप पे बैठने का मौसम नहीं है। नहीं जनाब, वो कहते नहीं है फिर से सर्दियाँ आ गई, अगर नहा ले तो फिर तो है, मतलब धूप पे बैठ सकता है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहाने का टाइम नहीं है, अभी सेटिंग करनी है। मैंने आज तो नहीं कहा कि आप नहाओ। वो झाड़ू उठाओ, झाड़ू मैं उठाऊं? हाँ मेरे सरदार, एक मिनट पहले जो है ना इधर से ना ये किचन जो है ना वो अभी सारा बिखरा पड़ा है, टोटल सामान टोटल बताने तो दे। मैंने क्या कह दिया कि सबा ने सारा खिला रहा हुआ है, बोलने तो दिया कर लू। सोनी अभी किचन इसलिए खिलना पड़ा है क्योंकि रात को हम जब खाते पीते हैं सारा सामान लेट हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं, फिर हम ऐसे छोड़ देते हैं। सुबह जब काम वाली बाजी आती है तो वो आके सारा कुछ धो के क्लोज करके फिर रख देती होती है, इस वजह से सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं क्लोज इधर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी सफाई करनी है ना। ये बच्चे जो है ना ये फिर ऐसा ही करते हैं, बच्चे वगैरह जो होते हैं। आज हमारा हसन जाने की मजे की बात है, क्योंकि वो डेली सुबह उठता था ना जाके पानी में बैठता था, आज वो बिल्कुल जैसे सलाखों में बंदा बंद होता है ना बिल्कुल उसी तरह जो है ना जोर से आवाजें दे रहा था, दरवाजे खोलो दरवाजा खोलो। हाँ जी, फिर हम इधर रख देते ना ताकि इधर पे ये ना जब आप मारोगे ना झाड़ू में चूल्हा उठा लूंगा आप नीचे से, अभी इधर से नहीं उधर से शुरू करो, सब इधर से मार लेती हूँ उस तक, ठीक है फिर उधर से मारूंगी इस तक, फिर यहाँ पे इकट्ठा करके फिर बात उठा लो। चलो यहाँ पे पोचा लगेगा, यहाँ पे सारी चाय भी पी हुई है, कचरा भी बहुत ज्यादा है, कचरा इकट्ठा करके ना वो बास्केट में डाल देंगे। जब पोचा लगाएंगे ना फिर जूतियां उतार के ना बाहर रखते हैं। आज जब माशाल्लाह हम अपने घर में
क्योंकि बहन भाइयों आपकी बात भी बिल्कुल राइट है, अच्छी है। आप कहते हैं कि बेडरूम के अंदर आप कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आप बेडरूम में बिठाते हैं, तो बेडरूम में बिठाने की बजाय जो है ना आप गैलरी के अंदर जो है ना वो सोफे सेट वगैरह लगाएं और वहां पे जो है ना मेहमानों को बिठाया करें, खाना वगैरह खिलाया करें। एक तो ओपन माहौल भी हो जाएगा जब आप, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मियां आ रही है, बंदा वैसे भी बाहर बैठेगा, अभी अंदर तो नहीं बैठेंगे ना। चले अभी जो है ना इधर साइड तो हमने झाड़ू लगा दिया है, अभी उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर उधर से भी लेके यहाँ तक जो है सारा गंद इकट्ठा करके फिर बास्केट में डाल दें। जी सब सही है जी, ठीक है। आपका काम कोई गलत होता है क्या? सारे ठीक होते हैं ना जी, और तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बेगम की तारीफें करोगे वो माशाल्लाह खुशी से काम करेगी। अच्छा इन्हें मतलब तो शरीफा करवा दे, काम करवा सकते हाँ जी, ये तजवीज है। तो जी अभी है ना हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, इस कलीन की सफाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जाना वो माशाल्लाह से माहौल बनाना है। बात सही है, पड़ता ही तले ना आपको ख्याल करना, क्योंकि जोर लगाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद लगाया था ना, और जो दूसरे अंदर वाल पेपर सारे लगे हुए वो तो माशाल्लाह कंपनी वालों ने लगाए थे, लेकिन ये मैंने लगाया था इसलिए सारा पकड़ गया है। अच्छे तरीके से कर ले, अच्छे तरीके से। ये चेयर जो है ना ये हटा लेते हैं, इसका काम है इस कमरे में, ये पता नहीं इधर क्या करने हैं। देखें इस कमरे में भी हमारे सोफे सेट वगैरह पड़े हैं, इनको भी देखते हैं, या ये वाले जो है ना उधर लगाएंगे या वो लास्ट कमरे वाले लगाएंगे, अभी देखते हैं सेटिंग सोचते हैं। क्योंकि अभी पता है क्या सभा, अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं सभा, ठीक है, उनकी सोने के, हमारे पास इतना बड़ा घर है सोने की जगह नहीं है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सोफे सेट बहुत ज्यादा है। हम तो, ये वाले सोफे सेट जहाँ पे लगेंगे ये हमारा कमरा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अच्छा फिर ये हमारा बेडरूम होगा, इधर मेहमान चले फिर आमने सामने एक बंदा होता है, वो वाला हमने नहीं उठाने, क्योंकि मेहमान आते हैं ना हम वहाँ पे खाना वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे हम जो है ना खाना खाते हैं। हाँ क्योंकि वो किचन के साथ भी है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वगैरह जो है ना वो हो चुकी है, बस ये थोड़ी सी रह गई है और शादी आदि आ गई है, उधर किचन जो सारा बिखरा पड़ा था वो सारी सेटिंग हो रही है, बर्तन वगैरह धो के सारा कुछ जो है ना वो आ जाएगा। अब उधर जो सफाई जा रही है और इधर भी, अभी ये यहाँ पे ना इकट्ठा कर लो ना, उसके साथ फिर ये नीचे से शायद निकल भी जाए, लेकिन यहाँ पे फुल नीचे उस साइड से निकल जाता है कचरा, क्योंकि उधर की ग्रेन जो है ना वो थोड़ी ऊपर है। अच्छा अगर इधर से निकल जाए तो इधर से निकाल लो सारा, वो है वो कौन है निकला। अच्छा चलो कर लो जैसे करना है, और उसके बाद ना अभी यहाँ पे पोचा लगाएंगे ताकि फुल सफाई हो जाए इंशाल्लाह, फूल चमकेगा हमारा घर देखना। हमारे कपड़ों की जो है ना पूरी फुल भीज गई थी, आज जो है ना मशीन भी लगाते हैं कपड़े वगैरह जो है ना ये सारे आज धो लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं अब तो पहनने के कपड़े भी नहीं बचे, तीन चार दिन बाद मशीन लगाते हैं। हाँ वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक बार लग जाती है चले, एक बार साफ लगता है, एक बार बिजली खाली होती है तो सारे फिर भूल जाते हैं, ऐसे अगर डेली लगाते रहे ना उसका फिर मजा नहीं आएगा। अभी माशाल्लाह से कल आपको नहीं दिखाया था, आज आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये सीढ़ी का दरवाजा भी लग गया था कल, ये देखें सीढ़ी का दरवाजा भी हमारा ओके है, कल मेरे ख्याल में हमने नहीं दिखाया था, ग्रिल दिखाई थी, पता नहीं दिखाया था यार जब सिलेंडर रख रहे थे। चलो अब दिखा दिया कौन सा मैंने गुलाब कर दिया। ये देखो ये कितने सारे कपड़े जो है ना वो निकले हैं, मेरे कपड़ों में से एक सूट है, दो सूट है,
बाकी सात तकरीबन इसमें 12-13 सूट सबा के हैं और 2 सूट मेरे हैं और तकरीबन 20-25 सूट बच्चों के हैं। सही है तुम सबा? बिल्कुल गलत। अच्छे तरीके से ना इसको गीला कर ले, गीला खेच के मार साहा मुक्का बदले गुलिंदा लेड़े लगी हुई दिया और माशाल्लाह क्या बात। मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग होने के कामयाबी के करीब है। मतलब मेरा कहने का मतलब अभी मैं इतना मोटी नहीं हूँ जो कि मुझे जो है ना सांस चढ़ जाएगी या फिर मैं थक जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ जी, मैं यह उर्दू में मैंने यही बात की, सराइकी में मैंने अपनी बात की। अपनी क्या बात की है? मतलब कि ये भाई तैयार हुआ हिक्का गाल है। चल बात से करो। पोचा खराब था ये को सार्फ नाल हेकड़ी बोर्श नाल धोवो चा ना। नहीं ये आप मशीन वो आखिरी लास्ट वाला सब पानी बचेगा ना सारा गला उसमें धोएंगे। यार पता ही क्या होता है, इसके ऊपर सार्फ डाल के बोर्श से भैया कपड़ों वाला वो बोर्श लगाओ तो बिल्कुल चमक जाएगा। हाँ, सही ऊपर से जो शॉट आते हैं ना वो सारे मत निकाल। वाले सही माशाल्लाह का गरीला बन रहा है। घर किवे लगता पे ठीक लगता पे जूती लाही बने। हाँ जूती लाही बने क्या लगे अदूर जेड़े वाले आओ जूती लाही के करो। हाँ अंदरू बिल्कुल सफाई है, पैर में टिकाना पीछे बात से करो। सही है जी खात बदी सर, सही सरदार बात करो जिल्लो मेहरबानी करो। 8-8 घंटे तक पहुंचे धुए से इने काम करे से और सफाई ना तो देख ने दाढ़ी सफाई से की है सारी। 8 घंटे पहुंचा धो कर दे बस बड़ा। हां सही 8 के अंदर 5 मिनट के अंदर चलो पखे चला। पखे चला रहे हमने नाल पोचा लगाया नहीं पंखे पहले चला दो। बेस्ती कर गई कैमरा चलता खड़ा चमकता हुआ नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। ऐसे चमका के रखेंगे। पहले जब आपने न्यू घर में आप शिफ्ट हुए थे ना यकीन करें दिन में 4 बार पोछा लगाते थे। कभी सभा लगा लेते थे कभी बैग कभी सभा आपको सभा लगा रहा पता नहीं कैसे माशाल्लाह से मैंने इसको कहा है और मेरी बात इसके बाद गई पर शुरू हो गई पोछा लगा। यार मैं लगाती हूँ आपको पता नहीं है। अब देखो ऐसे लगता है शीशा चमक रहा है। अभी एक बार मुकम्मल घर की सफाई होगी धुलाई होगा सरफ के साथ मुकम्मल तौर पे फिर देखना। यार नहीं रोज रोज धुलाई करके क्या करना चाहते हो आप? डेढ़ महीने वाली बात अभी कर रही है। अभी जो है ना ये पोछा लगा रही है और मैं कहता हूँ कि वो उधर ना मिस्त्री साहबान जो है ना वो चाय भी मांग रहे हैं क्योंकि वो इस टाइम को ना चाय पीते होते हैं। अभी जब आपने चाय बनाई नहीं है तो अभी हम चाय भी बना लेते हैं क्योंकि जो पहले काम है वो पहले करना चाहिए। सेटिंग तो होती रहेगी, आप जिसको चाय देनी है जिसको खाना देना है जिसको जो चीज़ खा कर वो तो टाइम पे दे रहे तो वो ले गए बर्तन कहाँ गए सुबह चाय आपके हाँ तो ठीक है वो चलती रहेगी उसके बाद फिर हम सेटिंग करते रहेंगे या उनको कह दो वो चढ़ा दिया। चलो ठीक है वो चाय चढ़ा दे फिर हम दूसरा वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा सर
ये ना अभी जब इधर लगाएगी ना ये मैं उठा लूंगा, क्या कहते हैं उसको, चूल्हे को, यानी कि फुल वजन ही है लेकिन मैं फिर भी ऐसे आराम से उठा लेता हूँ। अल्लाह पाक जिसे चाहे ताकत दे। सही है, अच्छी बात है, चलो चलो। ये देखो एक मग का है, क्या लेती सलना नहीं है। ये जो चाय पीते हैं ना ये बड़ा गंदा कर देते हैं, ये पिला हट मुझे पीली पीली। यहाँ पे रख दो अभी, क्योंकि नहीं उठाया जा रहा था, रगड़ के रगड़ के। आज शाम को यहाँ पे बड़ा दस्तरखान बिछा देंगे। हाँ तो साफ सुथरे काम करो ना, फिर फर्श गंदा ना हो ना, ऐसे आदत बनाओगे ना फिर सही हो जाएगा, नहीं तो ये सारा फर्श गंदा हो जाएगा। किचन की जगह पे ना चीजें गिरते गिरते फिर ऐसे जम जाती है ना, फिर खुद मसला खराब हो जाता है। ये वाला पंखा चला दूं क्योंकि जल्दी फिर सूख जाता है, उधर सारा माशाल्लाह से सूख भी गया है, उस साइड पे जल्दी सूख जाता है, इस साइड पे नहीं सूखता क्योंकि इधर छांव होती है उधर धूप होती है। अच्छा ये मसला है। सर कैसे हो, ठीक हो? वो सारे सामान पड़ा हुआ है, वो वाला उठा के ना आज इधर लगाते हैं, ठीक है? आप बैठोगे ना? हाँ बैठेगा भी शहजादा। चलो चलो शहजादे, ये तो पकड़ो, उठो ये की गाल होगी, ये चौरा सौ लंबा है। हाँ लंबा कह नहीं, चौरा से सारा, जैसे ऐसे वाया जैसे वैसे, हाँ चौरा से लंबा है। सॉरी करना मन बाहों जड़े दिखते हैं बाकी लंबा थी ये ए ई। हाँ वाह देखता सही ना आता है सबा, ये देखो आज हम और खा रहा। हाँ आज हम अपने बेडरूम की जो है ना ऐसी सेटिंग करने वाले हैं, ऐसी सेटिंग करने वाले हैं। बेडरूम की भी सेटिंग? हाँ। वाह जी आपको पता नहीं है क्या? अरे तीनों माल्टे तो साइड पे रखो, ये नंबर की प्लेटें तो साइड पे रखो, इसका सिस्टम बनाओ यार कोई। ये सामान वगैरह तो पहले बाहर भिजवा देती, ये मैं भिजवाती हूँ, ये कप वगैरह ये सारी, ये मुझे दो मैं वो चाय का पानी बताना वो भी बताती आती हूँ, ये भी रखती आती हूँ। ये उधर ही रखा करो, ये वाले ये उधर उधर रख दो, कुछ कोई नहीं खाता, खा भी जाएगा तो खाने वाली चीज। अभी पानी रखा वहां पे, ये ना जल्दी करके आओ फिर ये सेटिंग करें। वो पानी वाला जाके इधर रख दो, एक साथ सारा ले जाओ ना। किधर रख रहा है? इधर रखो। वाह तेरे अंदर चलो हाय हाय। तो जी ये सोफे सेट के जो कवर है ना ऊपर वाले इतने गंदे हुए पड़े हैं ना जिसकी कोई इंतहा, मतलब पच्चे वगैरह वो गप मिट्टी के साथ चढ़ जाते थे। अब ये भी जो है ना उतार देता हूँ ताकि ये भी धुल जाए। माशाल्लाह अंदर से कैसे, लेकिन इधर भी साफ करना पड़ेगा, मतलब इसको ना सही तरीके से कपड़ा लगा के ना इनको ना मैं धुलने के लिए दे देता हूँ, ये भी बेडशीट भी ये सारी चीजें ना धुलने के लिए, ये भी धुलने के लिए। अच्छा जी उसके बाद ये भी धुलने के लिए, ये सारे धुलने के लिए। अभी जो तकिए हैं तकिए के ऊपर से भी वो करेंगे, ये देखने के भी नहीं है। ओ खुदी दुआ के ताजे चढ़वा में। अच्छा हां ठीक हो, सुखा दे हमने ना ड्रिल है जी, ठीक हो गया, क्योंकि दूसरी जो सुखाने वाली मशीन है ना उसमें जल्दी सूख जाते हैं, फिर दोबारा चढ़वा देंगे, क्योंकि अगर ना चढ़ाए ना आज तो इनकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कब्रों की हालत हो गई थी। फैमिली फैमिली हम आ चुके हैं अपने बेडरूम की सफाई करने के लिए, और पहले जो है ना हम इनकी सेटिंग कर देते हैं, यानी डायल और चार्जिंग वगैरह ना साइड पे कर देते हैं। सारी ना ये छिलड़ियां पड़ी हुई है माल्टे की, अब देखिए बाल्टी भी रखी है फिर भी छिलड़ियां। अच्छा समझ लग गई मुझे, लग गई समझ, शुक्र है मैंने बात नहीं की पहले बता दो। ये ना हमारा जो माशाल्लाह से हसन जानी है ना वो सारी बाल्टियां कचरे की खाली करता है, हमें पता ही नहीं चलने देता, ये उसकी वजह है सारी। वरना ये आखिर मेरे पे निकाल रहा था। नहीं नहीं हाँ। आपकी बात भी नहीं, असल में
असल में बेगम बात अगर अपने ऊपर लेने पे आए ना तो वो एक मिनट में ले था। अच्छा, मैं सिर्फ बात कर रहा था क्योंकि किन्नू माल्टे हैं, अब हर बंदे ने खाए होंगे, इसने थोड़ी खाए। क्या की बाल्टी ले आओ, ये कचरा ले जाओ। बाल्टी ले आता हूँ, कचरा लेने से बेहतर है। सही हो गया। ये देखो, ये है मेरे ख्याल आंखों वाली, है भी मेरे ख्याल तेरी आंखों में डालने वाली। ये सारी हसन के को। और जी एक और गुड न्यूज मिली है हमें माशाल्लाह से, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी इसमें रखी हुई है, वो सारे कागजात जो है इधर रखे हुए हैं, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। इधर रखते हम बिस्तर, यहाँ पे देखें अभी इधर भी एक बिस्तर पड़ा हुआ है, ये भी हम जो है ना एक साथ सारा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि दोबारा दोबारा बिस्तरों को जो है ना उठाना ना पड़े। ये चलें जी, अभी जो है ना चलते हैं बेडरूम में दोबारा और झाड़ू वगैरह लगाते हैं। ये वाली चादर भी उतारनी थी आपने, हसन का कंबल भी रख रहे, इसको भी रखो इधर। आज सबके कपड़े उतार रहे हैं हम, न्यू वाले ड्रेसेस सबको पहनाएंगे आज। अभी जो है ना सबा ने काम किया है उसके लिए, ये देखें मेरी तरफ से प्यार और मोहब्बत। हाँ जी बिल्कुल, मैंने पैसे तो मेरे दिए थे, ये लो सबा खा लो, दोनों बैठ के ना इकट्ठे डाल के खा लो। नहीं मैं नहीं खाता, मैं आपको पता है खाली पेट फिर ये खाने में तबीयत भी खराब हो जाती है ना। हसन जाने भी पहुंच चुका है। देखो नहीं यार तेरा छोटा भाई है, सोना सोना, वो देखो वो फिर कम है, वो भी मारेगा इसको। खट्टा पानी ना पिला। पहले उसको खांसी है, तबीयत खराब, और खट्टा पानी पिला रही है। वो खुद पीने आया है ना इसीलिए। चलो जी, जिसने भी खाना है तो आके खा सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होंगे। सबा का नाश्ता जो है ना ये गोल गप्पू से होता है, ये न्यू स्टाइल की कुड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाली बेडशीट जो हमने बिछाई है ना, इससे तो भाई बेड की लुक आ जाती है बहुत ज्यादा, और ये हमारे बेड के साथ मिलती जुलती है। हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है। इसके जो ये वाला डिजाइन है ना, ये बहुत प्यारा लगता है साइड में। अभी तकिए जो है ना वो डाल रहे हैं, क्योंकि मैचिंग तकिए तो फिर वो और रौनक मेला लगा देते है ना।
एक तकिया यहाँ पे आएगा, एक तकिया उधर, फिर तो लगेगा बहुत प्यारा। दूसरा तकिया भी डाल रहा है अभी। हसन बेबो नीचे नीचे बैठ, सोना हो गया ना बेबो जानी, कहता मैं ऊपर जाके सो जाऊं। ये उस साइड पे चलो बेटा आराम से। चलो तो माशाल्लाह से जी बैंड की सेटिंग हमारी हो गई है मुकम्मल। अच्छा ये ना बेड को अभी कपड़ा भी लगने वाला है, गीला कपड़ा करके ना इनको दरवाजों को सारा जाला जमा हुआ है, पहले सूखा फिर गीला। हाँ पहले सूखा फिर गीला। हाँ जी चले जी, अभी टाइम आ चुका है जी बेड सोफे उधर गैलरी में सेट करने का, तो चलते हैं अभी बेड सोफे सेट करते हैं जी, सेटिंग चेंज होने वाली है अभी जी। मैंने कहा पहले जो है ना वो आप सबको सरप्राइज दे दूं, इसमें क्या चीज है, कौन से कागजात हैं, जिसे देखकर आप सबको बहुत खुशी होगी और मुझे भी खुशी है। सबसे पहले जी मैं आपको दिखा दूं, जो कि यूट्यूबर हैं, काफी लोगों यूट्यूबरों का जो है वो पिन का मसला होता है, पिन नहीं आ रही होती है। तो तकरीबन मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है तकरीबन 250-300 के करीब मैंने गूगल पिन अपने पास मंगवाई है। जिसका भी कोई मसला होता है तो उसका फिर मसला हल करके ना वो गूगल पिन मैं अपने पास मंगवा लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको लगा के देते हैं। ये जी माशाल्लाह से ये देखें गूगल की ये जो है ना पिन जो है वो आ चुकी है, और ये वाली भी पिन आ चुकी है। ये दो यूट्यूबर हैं, उनकी गूगल पिन है, जो कि इंशाल्लाह ताला आज वो आएंगे उनको मैं वेरीफाई करके दूंगा। अच्छा ये ना रख दो। उसके बाद ये हमारा पार्सल है, इसका काफी अरसे से इंतजार था, इसको अभी खोलते हैं। शायद बेबो जानी इसको देख के खुश हो जाए, बेबो जानी, क्योंकि फिलहाल तो उसे पता नहीं है कि किस चीज का है। ये उधर बाल्टी में डाल दो। 1, 2, 3 स्टार्ट। ये देखें जी पंजाब हुकूमत की तरफ से जी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें। ये मेरा मोटरसाइकिल जो सीडी है ना, ये उसकी नंबर प्लेट से मैंने अपने नाम पे वेरीफाई करवाया था, तो उसके बाद अभी नंबर प्लेटें पहुंची है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने वेरीफाई करवाया था, क्योंकि नंबर प्लेट जो है ना वो बहुत लेट आती है। तो माशाल्लाह से ये न्यू बाइक की है, इंशाल्लाह बाइक को लगवाएंगे फिर बाइक की और लोग ज्यादा बढ़ जाएगी जब ये ओरिजिनल नंबर प्लेट लगेगा। मोटरसाइकिल नहीं अपना जो चाचू हाजी के पास है वो अपना मोटरसाइकिल है ना, उसको लगाएंगे नंबर प्लेट। ये एक नंबर है उसको ना, वो दूसरी लगी हुई है जो मतलब कि वो हम बनवाते हैं ना। आज सेटिंग करो, लेट हो रही है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम पहुंच चुके हैं अपने इस रूम में। इस रूम में जो सोफा सेट लगा हुआ है ये वाला जो है ना, इंशाल्लाह अभी हम कहां पे लगाना है आप सबने देखना है और हमने लगाना है। चले जी पहले ये उठा लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठा लोगे? हां हसन, कौन सा वो उधर ना जाए, हसन इसमें उधर नहीं जाएगा, वो क्या करने जाएगा। हट जाओ बे, ओ हसन फिर आ गया यार। मेरे झोले इधर जाओ, इधर एक तो ये बच्चे जो है वो काम नहीं करने देते। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अच्छा उधर अगर कुर्सी लगाएंगे हैं, फिर सोफा सेट, फिर दरमियान में टेबल कैसे लगाएंगे? इसको साथ मिलाओ ना, इतना साथ ही मिलाना कि पेट उतर जाए। लेकिन मुझे पता है टेबल दरमियान में फिर नहीं आएगी अगर दोनों आमने सामने लगाएंगे। मैं कहता हूँ इन दोनों को इधर सामने लगा दो, फिर सेटिंग सही हो जाएगी उस साइड पे। थोड़े से आगे इधर करना है, थोड़ा सा चल बस, एक जो है इधर लगाते हैं, थोड़ी सी इसको पल्ली साइड को थोड़ी सी कर, थोड़ी हल्की सी, और चेयर जो है ना वो इधर लगाते हैं, इधर वो आ जाएगी, इधर वो आ जाएगी, या इस तरह करें। आप कैसे सोच रहे हो, सोफा सेट लगाना था उधर से। अच्छा डबल ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे सेटिंग करनी है। ये साइड में छोड़ेंगे हम, ठीक है,
दरमियान में टेबल आएगी, एक साइड पे कुर्सी आएगी, आप उधर सोफा लगा दो आपकी मर्जी, इधर चेयर लगा दो आपकी मर्जी। अच्छा इधर से सोफे पे का उधर से टेबल लगा है। ये वाले उठवाओ पहले, हैप्पी बर्थडे को इसने छेड़ना शुरू कर दिया। पहले वाला काम बाद में अच्छा कुछ ना थी भी खाना दे और सते दी हो बर्बादी कर दियो सारा खिड़े दी हो यो खड़े चलो करी हैप्पी बर्थडे आ जाती है मना लेते हैं ए बर्बादी करें दी आज लुपटे नहीं करते मैं लैंड दी पे ए होने वाला पटिया वैसी मिनट लग सी चला ए चवा ए चवा ए परफेक्ट बस कर ये बात का काम है सारा ये बात का काम है सोनी ओए लग जाएंगे मेरी जान लग जाएंगे सोने सारे गुब्बारे भी अभी तक पड़े हैं हमारी सारी यादें पड़ी हैं आधे से ज्यादा तो हमारे बच्चों ने फटा डाले ये उठा लोगे नीचे से पकड़ो आसानी हो जाएगी नीचे से बिल्कुल बिल्कुल आराम से चल जाएगा नहीं ज्यादा खुद हाउल ना ये देख क्या है यार देख हाँ चलो ये मैं चाची में चब दे कि टेबल को बहुत नीचे की था सर टेबल बदनी है वो नहीं बदनी होते ये तो हिलने वाली नहीं होती अया एक क्यों चाल गया पता नहीं ख्याल पता शीशा लगे हाथ में जो चल चा 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 हम खंडी कैसा करे क्या खाता आप जो खाती पीती हो वो कहाँ जाता है ये जो खाती हो ना ये अभी जो खाए हैं क्या नाम था इसका गोलगप्पे गोलगप्पे से फिर ताकत ऐसे ही होगी यार क्या है ये कितने भी नहीं क्यों बिचारा पहले वो टकानी है पहले दरमियान में वो टेबल रखनी उसके बाद ये इसको साइड पे लगा देने दे दे फिरो सांस ले निकल दे सांस आपकी फूली हुई है मेरी नहीं मुझे कुछ भी नहीं आम मरी है वो हो गई है इतनी खड़ी रह बस मैं ही काफी सही चल उधर टेबल लगा के ना फिर सेटिंग करते हैं आप ना ये ना कैमरा चलाएगी जैन और मैं काम करते हैं चलो कैमरा चलाओ वो टेबल है भारी वो आपसे नहीं उठाई जाएगी थैंक यू कहते हैं जो बेगम से काम ना हो वो ना करवाया अच्छा इतनी समझदार हो वो तो शुरू से मुझे समझ आ लग गया दरमियान में रखना है बिल्कुल दरमियान में दू थोड़ा आगे करो यार आगे कैसे आगे करो ना टेबल कहाँ पहुँचने आएंगे यहाँ तक सुकून से बंदा बैठ के खा रहा है इसी की तरफ क्यों जा रहे हो थोड़ा उधर करो जाने दो बस एक मिनट इसको मिलाओ साथ या एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर करो बस इसको इधर करेंगे चलो ये मिल गई ना अब जो है ना ये बिल्कुल दरमियान में ठीक है ओके सर चलो ये वाला जो है ना ऐसे सेटिंग होती है आप जो कह रहे थे ना शैडो में वो नहीं होगी जगह उतनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हूँ
माशाल्लाह। चल अल्लाह पाक हमेशा ऐसे समझदार ही रखे। अब थोड़ा सा उधर कर, थोड़ा सा हल्का सा, बस इधर से भी बंदा गुजर जाए उधर से भी गुजर जाए, आसान है ना रास्ता, उधर से भी गुजर जाएगा इधर से भी। थोड़ा सा इसको आगे कर दे थोड़ा सा, ताकि दरवाजे भी वो ना। तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। ये बिछा के ना आपने शैने खत्म कर दिए। अच्छा इस तरह से मिलते हैं वो दूसरे शीशे वाले, मतलब के प्लास्टिक के होते हैं वो साफ होते हैं ना शीशे की तरह, वो अंदर से सारे हमारे फूल भी नजर आएंगे। चलो फिर फिलहाल तो मैं इधर बिछा रही हूँ बच्चों के घर से। अच्छा एक ये इधर, एक वो उधर, एक वो इधर, एक वो उधर, ठीक है इस तरह से। चल इस तरह से वो बस, ये बेबी दशा को खुद नहीं कोई काम करा दे, चढ़ा बैठे हुए एक सीता दे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी आप सबने बताना है, आप सबके कहने पे हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। अभी कोई मेहमान वगैरह गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे बंदा बिठा देता है, तो क्या ये हमने ठीक किया है आप सबने जरूर बताना है। अगर हम अगर कोई और सेटिंग करनी है तो आपने फिर बताना है, फिर शाम को दोबारा सेटिंग कर लेंगे, दोबारा सेटिंग कर लेंगे हम, तो भाई जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे ना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दोनों में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, बाय बाय।